सो हेलो इसके फैमिली, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक ही कंपनी के काफ़ी दो फेमस बाइकों के बीच में एक डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं। तो पहली बाइक है ये टीवीएस कंपनी की तरफ से आने वाली रॉनिन, जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, और एक है अपाची 204B। तो दोस्तों, देखा जाए तो इन दोनों ही बाइक के बीच में कोई डायरेक्ट कंपैरिजन तो नहीं बनता है, बट कुछ ऐसे रीज़न है जिसके चलते इन दोनों ही बाइक के बीच में एक कंपैरिजन किया जा सकता है। तो पहला फैक्टर है इन दोनों ही बाइक में आने वाला इंजन। तो ये दोनों ही बाइक एक दूसरे के साथ इंजन शेयर करती हैं, सिर्फ ट्यूनिंग का थोड़ा फ़र्क है। वहीं दोस्तों, बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। तो इसका टॉप मॉडल का जो प्राइस है और उसका जो बेस मॉडल का प्राइस आपको लगभग सेम देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इन दोनों ही बाइक के बीच में एक डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि आपके लिए एक ही सेगमेंट में आने वाली स्पोर्ट्स बाइक की तरफ आपको मतलब कि जाना चाहिए या फिर वो मॉडर्न क्रूजर बाइक की तरफ जाना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों ही बाइक के लुक के बारे में। तो दोस्तों, लुक के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों ये अपाची 204B आती है स्पोर्ट्स सेगमेंट के अंदर। तो इसका जो लुक है वो चारों ही तरफ से काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर और एग्रेसिव है, क्योंकि दोस्तों ये स्पोर्ट्स सेगमेंट में आती है और स्पोर्ट्स सेगमेंट में आने वाली बाइकों का लुक ऐसा ही होता है। वहीं दोस्तों, बात करते हैं इस मॉडर्न रॉनिन के बारे में। तो इसका लुक काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आपको क्रूजर टाइप का देखने को मिलता है और ये बाइक देखने में हर एक एंगल से काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न लगती है। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इन दोनों बाइक के फ्रंट में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आपको राउंड शेप का LED हेडलैम्प देखने को मिल जाता है। वहीं इसमें भी आपको सेम LED हेडलैम्प देखने को मिल जाता है, लेकिन इसका LED VRL आपको बीच में देखने को मिलता है। वहीं इसका LED VRL आपको काफ़ी यूनिक डिज़ाइन में मतलब कि टी शेप में देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक यूनिक टच इस बाइक को देता है। वहीं दोस्तों, इसमें आपको LED इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, बट इसमें आपको हैलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। और सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको USB फॉग देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस सस्पेंशन है। वहीं दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। बट दोस्तों, इस बाइक में आपको एक काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट ये देखने को मिलता है कि इस बाइक का जो फ्रंट सस्पेंशन है वो एडजस्टेबिलिटी के साथ आता है। तो यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट के लिए जगह दिया गया है, बट उस बाइक में आपको कोई भी ऐसा चीज़ देखने को नहीं मिलता है, उसे आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। बट दोस्तों, मेन बात करते हैं टायर के बारे में, जहाँ पर आपको मेन डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, 110/70 सेक्शन का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर फ्रंट में आता है और ये मल्टीपर्पज़ टायर है, इससे आप ऑफ रोड और ऑन रोड दोनों ही कर सकते हैं। बट इसमें आपको 90 सेक्शन का ही टायर देखने को मिल जाता है 17 इंच का। फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बात कर ले तो इसमें आपको 40 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों, इसमें आपको 12 लीटर्स का ही फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों, सीट के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको स्प्लिट सीट देखने को मिल जाता है, तो सीट कुशनिंग भी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है इस बाइक में। वहीं दोस्तों, इसके सीट के बारे में बात करते हैं, इसका वाइडनेस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसका कुशनिंग भी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। तो मेरे हिसाब से दो लोग अगर काफ़ी ज़्यादा हेल्दी लोग हैं तो वो लोग काफ़ी कंफर्टेबली इस बाइक से राइड कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इन दोनों ही बाइक के रियर लुक के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं रॉनिन के लुक के बारे में। तो इसका रियर लुक मुझे काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लग रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी स्लिम डिज़ाइन में आपको LED टेल लैंप देखने को मिल जाता है। दोनों साइड आपको BMW स्टाइल के LED इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको नंबर प्लेट लाइट और यहाँ पर आपको नंबर प्लेट माउंट करने का स्पेस मिल जाता है। वहीं इसका लुक कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, रियर में आपको LED टेल लैंप और हैलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के ब्रेक्स के बारे में। तो दोस्तों, रॉनिन के फ्रंट में आपको 300mm का डिस्कब्रेक देखने को मिल जाता है, वहीं अपाची में आपको 270mm का डिस्कब्रेक देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर 30mm जो डिस्कब्रेक का साइज होता है वो रॉनिन में आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता है। और दोनों ही बाइक के फ्रंट और रियर दोनों में ही आपको डुअल चैनल ABS का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों, रियर में बात करते हैं, तो रॉनिन और TVS अपाची 204B के रियर में आपको 240mm का डिस्कब्रेक देखने को मिल जाता है। तो इन दोनों ही बाइक का रियर जो ब्रेक है वो सेम है, केवल फ्रंट में थोड़ा सा इसका ज़्यादा बड़ा आपको डिस्कब्रेक देखने को मिल जाता है। वैसे दोस्तों, मैं आपको बोल दूं कि चिंता लेने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि इन दोनों ही बाइक का ब्रेकिंग परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। तो दोस्तों, अब मेन बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के इंजन के बारे में, जहाँ पर TVS कंपनी ने शेयरिंग किया है दोनों ही बाइक के बीच में। तो बात करते हैं अपाची 204B के बारे में। तो इसमें आपको 200cc का ऑयल कूल इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि 20.54 BHP का पावर और 17.35 Nm का अप्रोक्स टॉर्क ये बाइक डिलीवर करता है। बट दोस्तों, इस बाइक में क्या सीन है कि TVS कंपनी ने उस बाइक का इंजन उठाया है, उसे थोड़ा बहुत ट्यूनिंग करके इसे 225cc का बना के और लगभग उतना ही पावर इससे निकाला है। तो करीबन ये बाइक 20 BHP का पावर और 20 Nm का ही टॉर्क जनरेट करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस बाइक के साथ ये प्लस पॉइंट आपको मिल जाता है कि इसका जो टॉर्क है वो उस बाइक से करीबन 2.5 से 3 Nm ज़्यादा देखने को मिल जाता है, जिसके चलते इस बाइक का इनिशियल पिकअप और मिड रेंज काफ़ी ज़्यादा लाजवाब होने वाला है। तो यही बात है कि इसमें आपको टॉप एंड थोड़ा कम मिलेगा, उसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं इन दोनों ही बाइक के स्पीडोमीटर के ऊपर। हमें तो सबसे पहले हम लोग अपाची 204B के मीटर को देख लेते हैं।
तो ऑन करते ही कुछ इस टाइप का आपको एनिमेशन बना हुआ आता है। ऊपर में आपको आरपीएम मीटर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको फ्यूल इंडिकेटर, यहाँ पर आपको ओडोमीटर और यहाँ पर आपको बाकी सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और यहाँ पर आपको मोड को शो करने का यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिलता है, यहाँ पर आपको टाइम और यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर। बाकी यहाँ पर आपको सारे ही वार्निंग लाइट्स देखने को मिल जाते हैं, लो फ्यूल इंडिकेटर जैसे न्यूट्रल लाइट, एबीएस लाइट, इंजन मालफंक्शनिंग लाइट, हाई बीम लाइट। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इस बाइक के आपको राइडिंग मोड्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अभी ये बाइक रेन मोड के ऊपर है और जैसे ही मैं इसे क्लिक करता हूँ तो अर्बन और इसके बाद स्पोर्ट, तो इस बाइक में आपको तीन मोड्स देखने को मिल जाते हैं, तो अपने नीड के अकॉर्डिंग आप इसे चेंज कर सकते हैं। बाकी इसमें आपको लीवर एडजस्टेबिलिटी देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप इस बाइक के क्लच और ब्रेक लीवर दोनों को ही एडजस्ट कर सकते हैं अपने रीच के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों आ जाते हैं हम लोग इस बाइक के ऊपर यानी कि रॉनिन के ऊपर और ऑन करते हैं इसे, कुछ इस टाइप का एनिमेशन बना हुआ आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको आरपीएम मीटर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको ओडोमीटर, यहाँ पर आपको टाइम, यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर, यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको शो होता है, यहाँ पर आपको मोड शो होते हैं, यहाँ पर ओडो और यहाँ पर फ्यूल इंडिकेटर। बाकी यहाँ पर आपको सारे ही वार्निंग लाइट्स ऊपर में देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको इसमें भी राइडिंग मोड्स देखने को मिल जाते हैं। बस दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इस बाइक में आपको जैसे कि इसमें आपको स्पोर्ट मोड मिलता है, इसमें आपको कोई भी ऐसा स्पोर्ट मोड देखने को नहीं मिलता, सिर्फ इसमें आपको रेन और अर्बन मिल जाता है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के प्राइस के बारे में और बात करते हैं कि कौन सी बाइक आपको 2022 के अंदर लेनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों ही बाइक के प्राइस के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग अपाची से, तो इस बाइक का एक्सशोरूम प्राइस आपको 147,240 रुपीज़ देखने को मिल जाता है। और वहीं बात करते हैं इस बाइक के ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो करीबन ये बाइक 1,75,000 से लेकर 1,80,000 के बीच में ऑन रोड मतलब कि आती है, डिपेंडिंग ऑन योर सिटी एंड इंश्योरेंस चार्ज वगैरह। वहीं दोस्तों बात करते हैं अब रॉनिन के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बाइक में आपको टोटल तीन वेरियंट्स देखने को मिल जाते हैं, एक है बेस, दूसरा है बेस प्लस और ये है SPL मतलब कि स्पेशल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेस मॉडल के एक्सशोरूम प्राइस के बारे में, तो बेस मॉडल का एक्सशोरूम प्राइस आपको 1,49,000 देखने को मिलता है, वहीं उसके ऊपर बेस प्लस का आपको 1,56,500 देखने को मिल जाता है। और वहीं बात करते हैं इस मॉडल के यानी कि स्पेशल मॉडल के बारे में, तो इसका 1,70,750 रुपये इस बाइक का एक्सशोरूम प्राइस देखने को मिल जाता है। और वहीं बात करते हैं ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो इस बाइक का मतलब कि बेस वेरिएंट से लेकर टॉप वेरिएंट आपको 1,85,000 से लेकर 2,10,000 के बीच में तीनों ही वेरिएंट्स इस बाइक का ऑन रोड देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग कंक्लूजन के बारे में कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एक काफ़ी ज़्यादा मतलब कि फीचर लोडेड एक स्पोर्ट्स बाइक चाहिए जिसका पावर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल स्पोर्ट्स बाइक हो, तब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपाची 204B के साथ जा सकते हैं। वहीं दोस्तों आपको एक ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हो, जिसे अगर आप रोड पर लेके चले तो आपको लोग देखें मुड़ मुड़ कर, तो अगर आपको वैसी बाइक चाहिए जो कि कंफर्टेबल भी काफ़ी ज़्यादा हो, जिसका सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल हो, जिसमें काफ़ी सारे फीचर्स आते हों, तो आप आँख मूंद कर इस बाइक के साथ जा सकते हैं। ये बाइक काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट और काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न प्रोडक्ट है जिसे लोग मुड़ मुड़ कर देखना चाहेंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको हमारी जो मेहनत है वो थोड़ी भी मतलब कि लगी हो कि आपकी हेल्प हुई है, तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं इस नए वीडियो में इस नए टॉपिक के साथ, इसके लिए स्टे ट्यून्ड।